Hello, this is Soma. Welcome to my channel, Soumya Study Circle. Today our topic is Register of Newspapers for India. It is a government media organization. It is very essential for the journalism and mass communication students and who are also preparing for the competitive exams. It is also very important for them. Then let us start now. Register of Newspapers for India.

इंडिया को एक प्रेस रजिस्टर की जरूरत है ठीक है इसीलिए आफ्टर द रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1956 में ये रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया को एस्टेब्लिश किया था ठीक है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है प्लीज रिमेम्बर। और टू तो सेट अप ए पे न्यूज़पेपर और मैगजीन और जर्नल अगर आप एक न्यूज़पेपर और मैगजीन और जर्नल्स आप पब्लिश करना चाहते हो उसका ओनर बनना चाहते हो आपको एक आर एन आई का रजिस्ट्रेशन आर एन आई रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है ठीक है द रजिस्टर ऑफ द न्यूज़पेपर्स आपको वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ठीक है Uh, जरूरत uh, पड़ती है सारे चीज केट करने के लिए मॉनिटर करने के लिए उसके उसका एक ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए ठीक है आर एन आई वही काम करता है न्यूज पेपर का जो पब्लिकेशन से रिलेटेड जो रूल्स uh, रेगुलेशन होते हैं वो सारे आर एन आई वो मॉनिटर करता है वो चेक करता है और जो आर एन आई का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया ओके इंडिया का जो मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का उसके अंदर ही आर एन आई का जो काम सारे होते हैं वो आर एन आई उसके अंदर ही काम करता है वो फ्रेम द रूल फॉर द आरएनआई आपको ये भी याद रखना है अगर कोई प्रिपेयर करता है नेट के लिए अगर कोई भी चीज जो कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो आपको ये याद रखना है कि आर कौन से रूल के अंडर काम करता है जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट एटीन हंड्रेड सिक्सटी सेवन के अंदर ये काम करता है उसमें थोड़ा रिकमेंडेशन भी लाया गया है उसके हिसाब से ये आर काम करता है और उसका जो रूल्स उसके लिए भी फ्रेम किया जाता है ठीक है चलो कोई भी कंपनी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हु वांट्स टू एंटर इन द बिजनेस ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया इंडिया में न्यूज़पेपर बिजनेस में मैगजीन भी छपाना भी चाहता है तो उसे आर एन आई के रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है ठीक है और कोई भी इंडियन न्यूज़पेपर कंपनी हो कोई एडिटोरियल बोर्ड हो कोई रीजनल न्यूज हो कुछ भी और कोई फॉरेन न्यूज़पेपर कंपनी भी यहाँ पब्लिकेशन करना चाहता है और कोई मैगजीन कुछ भी लैंग्वेज में भी वो अगर पब्लिकेशन करना चाहता है इंडिया में तो उन्हें आर एन आई एन आई रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है ठीक है चलो उसको उसके बाद पढ़ते हैं कि फंक्शन ऑफ द आर एन आई आर एन आई का काम क्या होता है आर एन आई नॉर्मली एंश्योर्स दैट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स वो पुराना हो या नया हो सारे न्यूज़पेपर्स पेपर्स का रेकर्ड आरएनआई के पास रहता है ठीक है ये इंश्योर करता है कि उसके पास सारे के सारे रिकॉर्ड होने होता है ठीक है अगर आरएनआई का रिकॉर्ड नहीं है तो वो न्यूज का जो वैलिडेशन जो ऑथेंटिफिकेशन उसके ऊपर भी क्रेशन आ जाता है ठीक है चलो इसके साथ जो एक रजिस्टर भी मेंटेन करता है आरएनआई जो न्यूज़पेपर्स का ठीक है चलो RNI का जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो न्यूज़पेपर को प्रोवाइड करता है एक वैलिड डिक्लेरेशन के बाद न्यूज़पेपर का जो पब्लिशर एक जो वैलिड डिक्लेरेशन देने के बाद वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर को प्रोवाइड करता है और RNI ये भी इंश्योर करता है कि जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो पब्लिश हो रहे हैं वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट का जो 19 डी सेक्शन 19 डी के अंदर वो सारे के सारे जो रूल्स uh, होते हैं वो फॉलो करता है नहीं वो 19 डी क्या होता है सेक्शन 19 डी आपको ये एक्सैक्टली exactly याद रखना पड़ेगा क्यों बोल रही हूँ कि जो मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि सेक्शन नाइनटीन डी इज रिलेटेड टू फाइल्स ऑफ एनुअल स्टेटमेंट बाय द पब्लिशिंग कंपनी ठीक है आपको ये याद रखना है एक एनुअल स्टेटमेंट दिया जाता है पब्लिशिंग कंपनी के द्वारा वो नाइनटीन डी सेक्शन नाइनटीन डी उससे उसके साथ ही रिलेट होता है और ये आपको देखना है आर का जो और काम होता है वो क्या होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं उनसे इंटीमेट करना है ठीक है जो टाइटल अवेलेबिलिटी ऑफ टाइटल्स वो टाइटल जो दिया जाता है वो पब्लिशर को जो न्यूज़पेपर को उसके बारे में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंटीमेट करता है और एस द पब्लिशर्स फाइलिंग डिक्लेरेशन और इसके लिए डिक्लेरेशन फाइलिंग करने के लिए वो पब्लिशर्स को भी प्रोत्साहित करता है ठीक है बिफोर द पब्लिशर्स मेक अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग देयर प्रोस्पेक्टिव पब्लिकेशंस देखो अगर जो पब्लिशर्स उनका जो प्रोस्पेक्टिव पब्लिकेशन होता है जो पब्लिकेशन वो करना चाहते हैं दिस अथॉरिटी मेक्स ्योर टू चेक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइटल फॉर देयर पब्लिकेशन जो आरएनआई उन्हें जो उन पब्लिशर को जो टाइटल दिया जाएगा उसके बारे में भी उन्हें इंश्योर भी करता है ठीक है वो ये टाइटल आपको दिया गया है ये टाइटल आपको नहीं मिल सकता ऐसे ही ठीक है अंडर सेक्शन नाइनटीन एफ ऑफ द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट प्रेस और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट का जो नाइनटीन एफ है सेक्शन आर एन इसके तहत वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है कि वेरीफाइंग द क्लेम्स जो पब्लिशर जो क्लेम करते हैं कि हम ये दिए हैं, ये इंफॉर्मेशन दिए हैं, ये ये हमारा जो एडिटर का नाम ये है ओनर का नाम ये है और वो पब्लिकेशन यहाँ से हो रहा है पब्लिशिंग हाउस कौन सा है और कितने कब ये शुरू हुआ कितने दिन चल रहा है इसका वॉल्यूम क्या है इसका इश्यू नंबर क्या है ये जो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं वो चेक करना भी आर का काम होता है और ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है पब्लिकेशन हाउस से वो भी ये चेक करता है और सर्कुलेशन कितना दावा करते हैं जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो सारे के सारे दावा करते हैं कि हम हमारा पब्लिक हमारा सर्कुलेशन इतना ही हुआ इतना, हुआ इतना हुआ इस साल ये हुआ है इस दिन ऐसा हुआ है वो सारे इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दिया जाता है कि एनी नॉन स्टेचुटरी फंक्शन रिलेट्स टू रजिस्ट्रेशन आर एन आई वो काम भी करता है ठीक है मुझे लगता है कि आर एन आई का फंक्शन के बारे में आपको भी समझ में आया, आ गया होगा। और जो न्यूज पेपर पब्लिश करना चाहते हैं अपना खुद का न्यूज पेपर और पब्लिकेशन करना चाहते हैं और मैगजीन भी पब्लिश करना चाहते हैं जर्नल भी पब्लिकेशन करना चाहते है तो उन्हें कौन सी चीज वो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होते ही आपको यहाँ देखना पड़ेगा ठीक है नेम ऑफ द पब्लिशर अगर आप खुद पब्लिशर हो और किस किस और और कोई दूसरे को अपना पब्लिशर बनना चाहते हो आप यहाँ पे लिखोगे नाम द प्रिंटर कौन प्रिंटिंग करेगा और द एडिटर एंड द ओनर्स ज uh, um, में आप पब्लिकेशन uh, करोगे कौन सी लैंग्वेज में आप सर्कुलेट करोगे इंग्लिश हिंदी तेलुगु तमिली अगर कोई बाई लैंग्वेज में अगर आप पब्लिकेशन करना चाहते हो वहां पर भी आप मैंशन कर सकते हो और आपका पीरियड सिटी क्या होना चाहिए डेली या वीकली और आपका जो फोर्ट uh, नाइटली और उससे ज्यादा अगर आप करना चाहते हो मंथली ऐसे आपको पीरियड सिटी के बारे में भी आपको भी यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन और कौन सी जगह से आपको पब्लिकेशन कराना है ठीक है और प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस और नेम सारे के सारे जो न्यूज होते हैं अपना खुद का प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस उनके पास नहीं होता है वो पब्लिकेशन का एक जगह एक पर करते है और प्रिंटिंग एक जगह पर करते हैं इसके लिए, लिए भी इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा अगर आप एक ही जगह से वो दोनों ही पब्लिकेशन और प्रिंटिंग कर रहे हो तो वो भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और इशू नंबर आपका क्या वॉल्यूम नंबर क्या है और यहाँ पे आपको फर्स्ट इशू फर्स्ट वॉल्यूम नंबर भी देना पड़ता है कब आप शुरू कर मतलब वो कर रहे हो ठीक है और शुरू किए हो तो ए, ए, रिमार्केबल डिस्प्ले ऑफ द टाइटल ऑन द फ्रंट पेज आपको जो न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में आपका जो मास्ट चढ़ा होता है वो रिमार्केबल डिस्प्ले ज्यादा बड़ा बना के उससे आपको देना पड़ता है क्योंकि उसका नाम ही वो न्यूज़पेपर होता है वो टाइटल ही होता है और ऑल पेजेस में उसका नाम भी होना जरूरी है वो टाइटल भी होना जरूरी है और डेट मार्क आप कब से ये जो डेट वहां पे आप लिखोगे और पेज नंबर भी आपको यहाँ पे वहां पे देना पड़ेगा वो सारे कितने सारे पे, कितने पेज आपका न्यूज़पेपर होगा वो आपका सिक्सटीन फोर्टीन ट्वेंटी फोर सॉरी सिक्सटीन आपका एट आपका ट्वेंटी फोर थर्टी टू कौन से भी जो पेजेस होते हैं वो आप वहां पे लिखोगे ठीक है तो इतने सारे चीज तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ेगा जो आपको पड़ सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप क्या करोगे उसने लेके क्या करोगे तो इंफॉर्मेशन मोस्ट भी सबमिटेड टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास आप जो जो भी डिस्ट्रिक्ट से पब्लिश करवाना चाहते हो वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास उसे ये इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करवाना है देन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे वेरीफाई भी करेंगे और फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू दर एन आई ठीक है तो के के पास उसे पहुंचने बाद वो वेरीफाई करेगा जो जो क्रेडेंशियल है उसके साथ वो देखेगा कि ये ठीक है या नहीं है और वो जो दिया गया वो दिया गया है ये सारे चीज ठीक है या नहीं वो सब चेक करने के बाद वो आर एन आई इस वो क्या करेगा आर एन to notify the district magistrate and publisher about the title availability what title available hey he अगर आप एक नेम देना चाहते हो वो टाइटल उनके पास अवेलेबल है या नहीं अगर दूसरा कोई ले लिया है वो उसे आप नहीं ले सकते वो भी वो चेक करके वो भी आपको वो इंफॉर्मेशन भी जो आर एन आई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी नोटिफाई करेगा ठीक है डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल बाय द द पब्लिशर विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू स्टार्ट पब्लिशिंग द न्यूज पेपर न्यूज पेपर के बारे में जो एक डिक्लेरेशन भी पब्लिशर को देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हम न्यूज शुरू कर रहे हैं ठीक है चलो जो ऑथेंटिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे ना सारे के सारे चीज में जितना ज्यादा हो सके देने की कोशिश की हूँ अगर अगर कोई आप आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो न्यूज पब्लिश करने के लिए अपना आपको मुझे लगता है आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है चलो तो आप लास्ट तक ही देखो मेरे साथ तो आपको अच्छा लगेगा और अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसे शेयर कीजिएगा और जरूर लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट भी दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो इतने जितना ज्यादा हो सके इंटरेस्ट होके बना सकती हूँ ठीक है चलो वो ऑथेंटिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन वो क्या है ना ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन जो टाइटल वेरिफिकेशन के बाद लेटर आर एन आई से एक लेटर आता है ठीक है इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द अथॉरिटी कंसर्न जो अथॉरिटी होते हैं वो डीएम हो और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीसी एस डी एम डीसी जे सी पी सी एम एम जो भी है आपके डिस्ट्रिक्ट जो हेड है आपका जो कंसर्न अथॉरिटी है जो भी वहां पे आपका जो रेस्पॅसिबिलिटी uh, लिए हुए है वो उन्हें आपको वो डिक्लेरेशन um, देना पड़ेगा ठीक है चलो उसके बाद देखते हैं कि जो फर्स्ट इश्यू मैंने बोला फर्स्ट इशू क्या होता है द शुड बी अंदर ही आपको वो फर्स्ट इश्यू लाना पड़ेगा ठीक है पीरियडिकली आप देख रहे हो अगर वो डेली या वीकली न्यूज़पेपर या मैगजीन होता है तो उस का आपको फोर्टी डेज के फोर्टी टू डेज के अंदर ही आपका जो फर्स्ट इशू uh, लाना पड़ेगा ठीक है फिफ्टीन डेज अगर और उससे ज्यादा हो जाता है तो फर्स्ट इशू आपको विदिन 19 डेज ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ द डिक्लेन में लाना पड़ेगा ठीक है डेली और वीकली के लिए आपको 42 टू डेज और आपका जो फोर्टनाइटली और उससे ज्यादा के लिए आपको 19 डेज का ऑथेंटिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन का 19 डेज नाइंटी डेज के अंदर ही आपको लाना पड़ेगा ठीक है देखो इक, जितना ज्यादा हो सके क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ इनकेस द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन एंड प्रिंटिंग प्रेस आर इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अगर आपका प्रिंटिंग प्रेस और देखो में आपका, uh, हो रहा है प्रिंटिंग प्रेस अगर कटक uh, में हो तो खोर्धा और कटक दोनों डिस्ट्रिक्ट हो गया ना डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हो गया देन द डेट ऑफ ऑथेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन डिक्लेरेशन फाइल बाई द पब्लिशर विल बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग फोर्टी और नाइनटी डेज अगर आपका पीरियड की सिटी के हिसाब से वो देखना पड़ेगा फॉर बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट इश्यू यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा तो आपका फर्स्ट इश्यू कौन सा है यहाँ इसके जो रहा आप जो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑथेंटिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन देखिए डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन डिक्लेरेशन फाइल बाय द पब्लिशर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन डिक्लेयर कर रहा है जो पब्लिशर वो कर रहा है उसी के हिसाब को उसी के हिसाब से आपका 42 और 90 डेज को आपको हिसाब में आपको लाना पड़ेगा द तो बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट इश्यू ठीक है चलो अगर आपका वहां पे लेट हो जाता है आप 42 डेज के अंदर पब्लिश नहीं कर पा रहे हो 90 डेज के अंदर पब्लिश नहीं कर पा रहे हो तो देन क्या करोगे करोगे आप केस ऑफ ए डिले इन द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट इशू इट रिवाइज द डिक्लेरेशन शुड बी फाइल आपका एक जो डिक्लेरेशन uh, आपको देना रिवाइज डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ठीक है समझ रहे हो ना जो न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं वो ये सारे इश्यू भी फेस किए होंगे और जो नया करना चाहते हैं तो आपको ये जरूर कुछ गाइड भी आ, करेगा ठीक है और जो स्टूडेंट्स है उन्हें तो वो इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए अपना लिखने के लिए आपका शॉर्ट शॉर्ट नोट भी आ जाता है एग्जाम में कोई अगर आ, मास्टर आ, मास्टर और बैचलर कर रहा है जर्नलिज मास कम्युनिकेशन में और जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए उन्हें तो जरूरी ये बहुत जरूरी है और जो अदर कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे, उनके लिए भी ये है। बहुत, के साथ चलो. और, और, यहां पे मैं थोड़ा ये लिख, लिखने की कोशिश की हूँ जब जितना ज्यादा हो सके आप यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल जाएगा जैसे बिफोर रजिस्ट्रेशन आपको क्या जरूरी होता है ना टाइटल वेरिफिकेशन लेटर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उन्हें मस्ट वैलिडेट द डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन को जरूर वो वैलीडेट करने होंगे नहीं तो आपका को काम नहीं हो पाएगा और नो फॉरेन टाई ऑफ फॉरेन टाई ऑफ आपका नहीं है उसके साथ क्योंकि आप आप जब फॉरेन टाई ऑफ के बारे में आप आ जाता है तो वहां पे आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये सारे चीज आ जाएगा उसके लिए दूसरा रूल भी होता है ठीक है और इसीलिए आपका नोटरी के पास एक एफिडेविट भी, भी लाना पड़ेगा साइन बाय द देशर ठीक है ए कॉपी ऑफ द फर्स्ट इश्यू ऑफ द न्यूज पेपर पब्लिकेशन मस्ट ब्रॉड आप किस दिन से आपका फर्स्ट इश्यू आया है उसके बाद जो पब्लिकेशन भी आपको देना पड़ेगा उसके उसका जो इंफॉर्मेशन भी आपको देना पड़ेगा और प्रिंटर एग्रीमेंट विद द कॉपी ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस कौन से प्रिंटिंग प्रेस में आप प्रिंटिंग करना चाहते हो और उसके साथ आपका प्रिंटर एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा और आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है क्या है वो फेब्रुआरी लास्ट में द द फर्स्ट ऑफ शुड कंटेन ड्यूली फिल फॉर्म नंबर फोर व्ही डिक्लेरेशन रिगार्डिंग ओनरशिप एंड अदर डिटेल्स ऑफ द न्यूज पेपर जो न्यूज पेपर के बारे में ओनरशिप के बारे में और जो अदर डिटेल्स है आपको फॉर्म नंबर फोर वो भी आपको फिलअप कर, करके वो भी फेब्रुआरी uh, लास्ट uh, तक आपको फर्स्ट इश्यू ऑफ पब्लिकेशन भी लाना पड़ेगा ठीक है और जो दूसरा मैंडेटरी है आपका यहाँ स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म नंबर टू आपको ऑन द मंथ ऑफ मे और द लास्ट डे ऑफ द मे एवरी ईयर आपको ये देखना पड़ेगा कि से जो आपको मैंडेटरी जो भी है जो एनुअल स्टेटमेंट आपको फॉर्म नंबर टू के हिसाब से आपको देना पड़ेगा ठीक है और मैं यहाँ पे आप कोशिश की हूँ कि आपको जितना ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन देने के लिए और आर एन आई जो रजिस्टर ऑफ न्यूज फॉर इंडिया उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी हूँ मुझे लगता है आपको ये आ, आपका ये काम में जरूर आएगा अगर ये अच्छा लगता है तो आप जरूर इसे शेयर कीजिएगा और बार बार देखिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलेगा आप आपके लिए और दूसरा वीडियो बनाने के लिए थैंक यू बाय बाय